मेरे प्यारे दर्शकों को अपने सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान आंदोलन। बातचीत का रास्ता खुला तो टकराव हो खत्म। इसे 60% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। संसद से सड़क और सड़क से संसद तक अब भी कृषि सुधार कानूनों पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेकर कृषि में सुधार के लिए किए गए प्रयासों पर अपनी बात रखी। आज ही आंदोलनजीवी और नई तरह के FDI जैसे शब्दों का सबका ध्यान खींचा। PM ने देश की शांति भंग करने वालों के साथ साथ विदेशी प्रोपोगंडा पर देश को जागरूक रहने की सलाह भी दी। लेकिन सबसे बड़ा संदेश किसानों के लिए रहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, चर्चा के लिए आगे बढ़े, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं दिख रहे। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है, ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। राज्यसभा में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आंदोलन खत्म कर बैठकर चर्चा करने का न्योता दिया है। साफ है सरकार गतिरोध खत्म करने की मंशा रखती है, लेकिन आंदोलन को हवा देने वाला एक वर्ग आंदोलन की धार तेज करने के लिए सक्रिय रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों को आंदोलन जीवी बताया। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। किसान नेता प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को अपने नजरिए से देख रहे हैं। ये देश की प्रधानमंत्री एक कदम चलेंगे तो हम 5 कदम चलने के लिए तैयार हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री चाहें तो 1 दिन में मसला हल हो सकता है। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी। लोगों को गुमराह करने के लिए तकरीर करना और बात है, लेकिन किसान की समस्या को सुलझाना, समाधान करना और बात है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने शांति भंग करने वाली विदेशी ताकतों के खिलाफ सावधान रहकर जागरूक रहने की सलाह दी है और एक नए तरह के FDI का जिक्र किया। इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना है। FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया FDI नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा। और ये नया FDI है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। साथ ही राष्ट्रवाद की नीति पर चौतरफा हो रहे हमले पर तीखा वार करते हुए प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को याद दिलाया। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। देश की बहस में चर्चा है कि जब बातचीत ही समाधान का रास्ता है तो यूटर्न लेकर आंदोलन को हवा देने के बजाय देश हित में गतिरोध खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। किसानों को प्रधानमंत्री की बातचीत की अपील स्वीकार करनी चाहिए? आप हाँ या ना में हमें जवाब दे सकते हैं। आप इस जवाब को हमारी वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है, हमारे ट्विटर हैंडल को आप जानते हैं @NewsNationTV और हमारे फेसबुक पर भी जाकर आप वोट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे मैं जोड़ता हूं अपने साथ, मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अजय कुमार जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और साथ ही साथ यंगेस्ट IPS ऑफिसर रहने का किताब भी डॉक्टर अजय कुमार के पास है। मैं इसके अलावा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को स्वागत करता हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं जो कि
विचारक हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, डीयू में पढ़ाते हैं। मेरे साथ सुनील सिंह साहब हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्स पर्सन है नेशनल। मेरे साथ इसी के साथ बादल देवनाथ है जो कि लीडर है तृणमूल कांग्रेस के। मेरे साथ मंजिंदर सिंह सिरसा साहब है जो कि नेता है, वरिष्ठ नेता है अकाली दल के। सबसे पहले अजय कुमार जी, शुरुआत आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री ने तो इशारों इशारों में आज कांग्रेस को फूफी कह दिया और कह दिया कि कोई भी शादी हो फूफी तो नाराज रहती ही है। और मुझे बताइए, उन्होंने ये भी कहा आपने तो पुरानी बातों से यूटर्न ले लिया, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में लिखा था कमोबेश वही काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो विरोध क्यों, विरोध के नाम पर? देखिए दीपक जी, दिक्कतें क्या है कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के उनके जो सलाहकार है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो बढ़िया ठीक तरीके से पढ़ते हैं। अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उनसे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पहले फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, कोऑपरेटिव्स बनेंगे, उसके आधार पर फिर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, उसके बाद जब पूरी तरह से जो सिस्टम को ठीक तरह से अवलोकन करने के बाद ही किसी तरह का प्रक्रिया बदलाव लाया जाएगा सरकार के द्वारा। तो आपने पूरे 2019 999 पन्ने को तो इन्होंने पढ़ा नहीं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ करके फिर से रखने लगे वहां। सर ऑपरेटिव तो लास्ट पैराग्राफ ही होता है ना अजय कुमार जी, ये भी आप जानते हैं। ऑपरेटिव पार्ट तो जजमेंट पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा होता है, लास्ट पैराग्राफ किसी भी मैनिफेस्टो में ऑपरेटिव पार्ट तो लास्ट पैराग्राफ ही होता है। आपने सही पकड़ा है, नहीं नहीं आप गलत फहमी में, लास्ट पैराग्राफ मतलब पोस्टस्क्रिप्ट में जो है ना कि ये लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, तो इसलिए लास्ट पैराग्राफ। धन्यवाद कहां दिया, वहां तो एपीएमसी रिपीट करने की बात करी आपने। दीपक जी ये दिक्कत क्या है कि अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो अगर प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के हमारे साथीगण पढ़ते तो आप लागू कीजिए ना फिर हर चीज, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, और फिर उस पर जो समय दे करके जब तक आप पूरी तरह से अध्ययन नहीं होगा कि किस तरह की इसके असर फार्मर्स पर पड़ेगा, उसके उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी, उस पर तो कोई चर्चा नहीं। दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बात करना चाहते हैं, अरे किसान कैसे बात करेंगे, इंटरनेट बंद कर दिया, टेलीफोन लाइन बंद कर दिया, आपने तो पूरी तरह से घेर लिया उनको, तो बात कैसे करेंगे? तो दिक्कत क्या है कि आप किसी के साथ समझौता कर सकते हैं जो पूरी तरह से कांटीला तार से आपने घेर दिया हो, किसी को कील ठोक दिया हो, और फिर बोलते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है। इस तरह का असम्मानजनक बातचीत कभी होती है क्या? तो तीसरी बात कि प्रधानमंत्री जी ने देश को जो भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना है, या क्योंकि आजादी की लड़ाई में ये साइडलाइन में थे तो इससे उनको हर चीज का आंदोलन का जो अच्छा नहीं लगता वो दूसरी बात है, लेकिन क्या अभी भी झारखंड में, मैं अभी जमशेदपुर में हूं, अगर बीजेपी वाले आंदोलन कर रहे हैं तो वो आंदोलन जीवी है क्या? ये पिछले 70 साल में जब विपक्ष में थे तो जितने भी आंदोलन कर रहे थे वो उसी दृष्टिकोण से सबको देखना है क्या? सर आंदोलन जीवी उन्होंने, आंदोलन जीवी उन्होंने एक जमात को बताया जो हर आंदोलन में दिखाई देती है, चाहे वो CAA NRC हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो वकीलों का प्रदर्शन हो। अंधे जीवी आप समझ रहे इशारा किस तरफ है? दीपक जी एक चीज बताइए, जब कोमल शर्मा जी हो या ये कपिल मिश्रा जी हो वो दंगे करा दे तो ये दंगे जीवी है क्या? कि ये जब ये दंगे कर रहे थे, मैं क्या, अगर किसी भी देश के मुद्दा में कोई लोग आगे आते हैं, वकील लोग आते हैं तो देश के हित में आते हैं। चलिए मैं यहीं से ले लूंगा, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। विरोध करना आज आपको अपना टाइटल कैसा लगा? आपको फूफी बना दिया, घर की शादी की फूफी कांग्रेस पार्टी हर बात से नाराज। देखिए एक चीज है, दिक्कत क्या है ना, प्रधानमंत्री जी एक गंभीर विषय को इस तरह का, कोई भी हमने लोकसभा में भी देखा कि जब भी प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब मोदी जी बोलते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेतागण बोल रहे हैं, कभी नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। ये भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो है, जिस तरह से भाषण के जिस तरह के शब्दों का प्रयोग होना था, आप पुराने प्रधानमंत्री का जो है भाषण देख लीजिए, मान सम्मान होता है एक दूसरे के साथ, बढ़िया से बात होती है। जब प्रधानमंत्री जिस तरह से, अरे उन्होंने गुलाम नबी आजाद जी की तारीफ की, उन्होंने भाषण में तो गुलाम नबी आजाद जी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि आप कभी कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को कोट किया, उन्होंने शास्त्री जी का जिक्र किया कि कैसे उनके कैबिनेट में लोग कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होते। खैर मैंने बहुत वक्त दे दिया डॉक्टर अजय कुमार और मैं बहस का हूं लाऊंगा। बाबुल जी मैंने आपका हाथ उठा हुआ देख लिया, चलिए बाबुल जी आज तो प्रधानमंत्री ने पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बता दिया है, बाबुल देवनाथ जी
बादल देवदास जी, माफ कीजिएगा बादल देवदास जी, आज तो प्रधानमंत्री ने पहला प्रधानमंत्री आजाद भारत का नेताजी को बना दिया है, अब कैसे वोट मांगेंगे आप नेताजी के नाम पर? नहीं देखिए आप भी हंसती है, देखिए इसको बोलते हैं ना मास्टर स्ट्रोक। नेताजी के नाम पर हम सब वोट नहीं मांगते। नेताजी रविंद्रनाथ, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऋषि अरविंद, बंकिम चंद्र और भी पूरे देश में जितना ऋषि मुनिषि है सबको हम सम्मान करते, पूजन करते और उनका श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं। लेकिन उनके नाम से, जैसे राम के नाम से ये लोग वोट मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, हम सब नेताजी के नाम से वोट नहीं मांगते, उनको सम्मान करते हैं। तो ऐसा है कि देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ सर, सुनिए, एक नकली रविंद्रनाथ कोरोना के डर से बारी ने आप बोल रहे हैं भारी पड़ेगा, आप खुद तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कवि ठाकुर से। सुनिए ना आप खुद तुलना कर रहे हैं, आपको महंगा पड़ सकता है। नकली रविंद्रनाथ आपने देखा है, नकली दाढ़ी नहीं काट रहा है, मुझे नहीं काट रहा है, माल नहीं काट रहा है और नौकरी घूम रहा है। और एक बात, लास्ट लाइन में हल्दिया में आया, खुद कवि गुरु बना रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो रविंद्रनाथ जैसी शक्ल लग रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, आप खुद उनको बना रहे हैं कवि गुरु। रविंद्रनाथ बोल रहा हूँ, नकली रविंद्रनाथ। मैं और एक बात बोल रहा हूँ, आज राज्यसभा में देखिए उन्होंने भाषण दिया, 100 के ऊपर लोग मर गए, किसान आंदोलन चल रहा है, जब 74 दिन 75 दिन हो गया वहां पर आंदोलन चल रहा है, उनका ना कोई पछतावा हुआ, ना 100 के ऊपर लोग मर गए, उनके लिए कोई दुख जाता है कुछ नहीं। और हल्दिया में आया, बंगाल में आया, सरकारी प्रोग्राम में उन्होंने राजनीतिक भाषण दे दिया, यहाँ पर आके बंगाल के बारे में बोल, बंगाल के पूरा राजनीतिक भाषण दिया सरकारी प्रोग्राम में, जैसे नेताजी का जन्म जयंती पर आया वहाँ पर जय श्री राम, ममता बनर्जी को विशेष किया, उन्होंने नमस्कार बोलते हैं सर, हमारे मध्य भारत में जय श्री राम का मतलब नमस्कार होता है, मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है, कोई कोई देश का दुश्मनी तो नमस्कार होता है जय श्री राम का मतलब बाबू जी। ये लास्ट लाइन कोई विरोधी पार्टी जय श्री राम कहते हैं, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो गांव में अपने कहते हैं राम राम जी, क्यों कहेगा, हम सब सब मध्य भारत वाले राम राम जी कहते हैं, भारत माता के जो वंदे मातरम कहते हैं, वंदे माता का मतलब क्या है, माँ को वंदना करना, अतः भारत माता को पूजन करना। ठीक है, मैं सीधे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास चलता हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, वंदे मातरम जय, कवि गुरु की उपाधि दे दी प्रधानमंत्री जी को आज टीएमसी ने, नकली रविंद्रनाथ, भारी पड़ेगा आपका ये बयान, आपको अभी से बता रहा हूँ बादल देवनाथ जी, भारी पड़ेगा आपको आपका ये बयान, नहीं भारी पड़ेगा। अच्छा आगे चलते हैं सीधे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप मूल भावना समझ नहीं रहे हैं, आपने चारों तरफ कटीली तार लगा के किसानों को डरा रहे और दूसरी तरफ कहते हैं बातचीत कर लो, क्या दोनों में विरोधाभास नहीं है? नहीं देखिए, किसानों से हम बातचीत करने को तैयार हैं, उनकी बात मानने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 11 राउंड की बातों में 12 से ज्यादा मांगे किसान की मान ली और सस्पेंड करने के लिए भी तैयार हो गए। तो अल्टीमेटली जो प्रधानमंत्री को बड़ी मजबूरी में ये बात कहना पड़ा कि हास्यास्पद बात ये थी कि ये जो आंदोलन जीवी है ये क्या कर रहे हैं, किसानों का हित भी नहीं कर रहे और सरकार हर आंदोलन का मूल, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे आपने कहा जो जेएनयू का आंदोलन हो, हर चीज में जो या इस आंदोलन को या किसानों का आंदोलन हो उसमें सरकार उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान ना देके उसको सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करके अल्टीमेटली ना देश का हित करते हैं ना उन किसानों का हित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने जो कहा कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, यह क्या है, वह यही तो है ना कि इन लोग आज ममता जी को या बाबुल जी बोले, ममता जी को विदेशों के और आज महाराष्ट्र में विदेशों के ट्वीट और उस पे तो ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ देश के देशभक्त लोगों के जो ट्वीट्स हैं, भारत की संप्रभुता को और भारत की एकता के लिए खड़े होने वाले लोग उनके ट्वीट्स में तो ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली यही तो है परजीवी, उन्होंने यही नहीं कहा कि आंदोलन जीवी है, ये परजीवी है, ये दूसरों की
किसान आयुक्त को रद्द करना पड़ेगा। प्रॉब्लम पूरे देश में किसान आपको नहीं छोड़ेगा, आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। और मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली, किसान आंदोलन में मैं बैठूंगा, किसान आंदोलन मैं भी बैठूंगा, जा रहा हूँ मैं दिल्ली और किसान आंदोलन में मैं भी बैठूंगा। पूरे देश सरकार कर रही है किसानों की समस्या को आय को दुगना करने की बात कर रही है, वो किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था। बादल जी सुन लीजिए ना, उन्होंने आपकी बात को डिस्टर्ब नहीं किया। बादल जी प्लीज सुन लीजिए, गोपाल जी कंक्लूड करिए प्लीज, मैं सिरसाद आपके पास जाऊंगा। और मेरे दर्शक से सबसे बड़ी बात है कि ये लोग केवल आंदोलन जीवी नहीं है बल्कि ये परजीवी है। ये दूसरों के आंदोलन और समस्याओं को लेकर उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और बाबुल जी आपको बादल जी जय श्री राम थोड़ा शांत हो जाइए। एक बार जाना चाहिए किसान आंदोलन जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर वो लोग बैठे हुए है जाने से। बादल जी नहीं जाएगा। इतना गुस्सा मत करिए, थोड़ा आने वाली डिबेट के लिए भी बचा कर रखिए, थोड़ा आने वाली डिबेट के लिए बचा कर रखिए। मैं सीधे सनिकेत के पास चलूंगा लुधियाना। सनिकेत जी मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा क्या उसके बाद बातचीत की गाड़ी आगे नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए पहले दीपक जी, मेरा एक बेनती है आपसे, बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है मेरा आपकी। बिल्कुल पूछिए। प्रधानमंत्री का मैंने भाषण सुना राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में गया और पंजाब में जो गुरुओं पीरों की धरती है वहां पे किसान बसते हैं, उनका मैंने खाना खाया अपने हाथ से। और मैं प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जब आपकी बीजेपी जब गले में प्याज और आलू डाल के जब प्रदर्शन करती है तो उस टाइम वो देश प्रेमी होती है, और जब हमारा किसान गले में फंदा डाल के प्रदर्शन करता है तो वो देश द्रोही हो जाता है, देश विरोधी हो जाता है। आपकी सरकार उनके लिए वहां पे इतने बड़े बड़े सूल लगा रही है, आपकी सरकार इतने बड़े बड़े तार लगा रही है, और आप उनको कह रहे हैं कि मैं पंजाब में जाके किसान के हाथ की रोटी खा के आऊं। ये दो तरफा बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बड़ी गलत बात है। एक तरफा बात करनी चाहिए, एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता उनको बोलते हैं कि ये किसान जो अलगाववादी है आतंकवादी है, एक तरफ कुछ और गलत बोलते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी उनकी तारीफ करते हैं। पहले इनको अपना चरण स्पष्ट करना चाहिए कि किसान आतंकवादी है क्या किसान अन्नदाता है। किसान को आतंकवादी कभी नहीं कहा गया, माफ कीजिएगा मैं क्लियर कर दूं आपको। इसी बात का सवाल मैं अवनीश अवस्थी जी से लेता हूं, बताइए किसान आंदोलनकारी या आतंकवादी, बताइए अवनीश अवस्थी जी। ऐसा है दीपक, आता हूं गोपाल जी, साफ सी बात है, पहले दिन से यह कहा गया कि किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी आइडियोलॉजी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। पहले दिन से ये वाक्य बोला गया कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके, किसानों को नहीं कहा गया, ये जानबूझ करके ये लोग कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं ये कहा जा रहा है। अजय कुमार जी आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए पंजाब में कौन सा कानून लागू है? पंजाब में क्या ये कानून लागू है कि किसान को 5 साल की जेल हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर है ना? मैं आज चैलेंज करता हूं आप कि आप आज रात अजय कुमार जी को दिखाइए किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म कर दीजिए पंजाब में, किसान पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इमीडिएट इसी समय से आप नोटबंदी की तरह खत्म कर दीजिए, करिए ना, हिम्मत है तो। आप यहाँ पर आकर के बैठ गए, वहां पर यहाँ पर कहते हो कि नेटवर्क नहीं है और वहां पर टावर तोड़ रहे थे दूसरों के लिए आपको नेटवर्क नहीं चाहिए, वहां की जनता के लिए नेटवर्क नहीं चाहिए आपको, वहां की जनता के लिए नेटवर्क नहीं चाहिए, नेटवर्क नहीं है हमारा, हमारा वाईफाई बंद किया हुआ है, वहां जो आपने 500 टावर तोड़े उसका जिम्मा कौन लेगा? क्या पंजाब की जनता को नेटवर्क नहीं चाहिए? क्या पंजाब की जनता को नेटवर्क नहीं चाहिए? वहां तो आप कह रहे थे कैसे बात? नहीं, आप बीच में मत करिए, आप जवाब दीजिए और मैं आपका जवाब सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपका पहले शिष्टाचार से बात कीजिए, नहीं तो बात मत कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तुम्हारा ये सवाल मेरा बड़ा सीधा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है? और अगर हाँ तो क्या 5 साल की सजा है? और अगर हाँ तो मुझे बताइए ये कानून कब रद्द होगा, कब रद्द करेगी आपकी सरकार ये कानून, बताइए। आलोक कुमार, अजय कुमार जी सुनिए मेरी बात, सुनिए, उनको छोड़ दीजिए, मेरा सवाल सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रद्द करो, शिष्टाचार से बात कीजिए, नहीं तो माता जी हमसे बात मत कीजिए, हम आपसे ऐसे नहीं बात करते, आप कौन होते हैं हमसे बात करने के लिए? हम बढ़िया से आपसे बात कर रहे हैं,
आप कौन होते हो? अरे करोगे कैसे तुम? करोगे कैसे तुम? बात कैसे करोगे? आ गए ना, पोल खुली तो कैसे चिल्लाने लग गए? अरे सच्चाई खुल गई ना तुम्हारी, पोल खुल गई, नकाब उतर गया, नकाब उतर गया। किसानों की लाश पर कहते हैं 200 किसान, 200 किसानों की मृत्यु हुई है। पिछले 30 सालों में 3.5 लाख किसान शहीद हुए, उनका हिसाब दो। 3.5 लाख किसान। एक मिनट, अभिषेक जी, अभिषेक जी मुझे सवाल पूछ लेते हैं। अभिषेक जी, पंजाब की स्थिति स्पष्ट करिए, पंजाब पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है या नहीं, बताइए। अच्छा तो मुझे जवाब देने दीजिए। पहली बात है कि क्योंकि पढ़ने में सबको, काफी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग को पढ़ने की जो है, पढ़ने में थोड़ी से कमजोर है। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट वो एपीएमसी के अंदर है, पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर एपीएमसी के अंदर है, द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द एपीएमसी, वो प्रोटेक्शन है, पहली बात है। एक सुन लीजिए ना, सुनने का क्षमता रखिए। दूसरी बात है, गुजरात में जब प्राइवेट कॉर्पोरेट, यार आप तो कॉर्पोरेट वहां पे नेस्ले है कि नहीं है, पेप्सी और नेस्ले है कि नहीं है, फिर झूठ बोल रही है, फिर झूठ बोल रही है। वहाँ पेप्सी और नेस्ले को दिया हुआ है, बात कीजिए सर, आप ही बात कीजिए। वहाँ पे विदेशी कंपनियां नेस्ले और पेप्सी है कि नहीं है, पूरी तरह से किसानों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। अजय कुमार जी, 2 लाख का फाइन दिया पंजाब। चलिए मैं सिरसा जी से सच्चाई जानता हूँ, मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूँ, बादल देवराज जी शांत रहिए। सिरसा जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या पंजाब में किसानों के लिए 5 साल की सजा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में है या नहीं, जो अमरिंदर सरकार ने कराई? अमरिंदर सिंह गए थे कि नहीं मुकेश अंबानी के पास? दीपक जी, मैं अजय जी आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट में आ रहा हूँ। सिरसा जी से हकीकत जान लेते हैं, आपने अपना रिप्लाई किया, सिरसा जी बताइए। जी दीपक जी, 2017 में जो अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी और प्राइवेट मंडियां भी लाने का जो कानून अब केंद्र सरकार 2020 में लेके आई है, ये कानून कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 2017 में पंजाब में लेके आए, जिसका हम विरोध करते आ रहे हैं। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से ये आग्रह किया था जब ये विषय खड़ा हुआ था कि जब 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 आप ये कानून को लेकर, जब तक आप खुद अपना कानून रद्द नहीं करते, केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई बड़ी धीमी पड़ जाएगी, तो आप कृपया करके पहले पंजाब विधानसभा में जो आपने 2017 में गलती की उसको ठीक कीजिए और उस कानून को रद्द कीजिए। आज भी वो कानून एज इट इज एग्जिस्ट करता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कहा गया कि अगर किसान अपनी बात पूरी नहीं करेगा, शायद वो कॉलम नंबर 28 है, मेरे को ध्यान में नहीं है, मैं इसे पढ़ दूंगा, 28 नंबर अगर आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें ये कहा गया कि अगर वो पूरी नहीं करेगा तो उसको 5 लाख तक का जुर्माना भी और उसको जेल भी होगी। किसको? किसान को, पूंजीपति को नहीं, किसान को जेल होगी। अब किसान यही कह रहा है कि भाई देखिए, जो भी सरकार आती है वो पूंजीपति की बात कर कर चले जाती है और हम तो रोते ही रह जाते हैं। अभी केंद्र सरकार ने कानून पास किया, उन्होंने भी कहा कि मंडियां प्राइवेट आ जाएंगी, और जब प्राइवेट मंडियां आएंगी तो स्वाभाविक है सरकारी मंडियां तो बंद होंगी होंगी। अब बताइए, BSNL को बंद करके आप जियो ले आए, पंजाब पे जवाब ले लें, सिरसा साहब पहले पंजाब पे जवाब ले लें, अजय कुमार जी से फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अजय कुमार जी, सिरसा जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, आरोप यही लग रहा है कि आपके कानून में तो 5 साल की सजा का प्रावधान है, फिर किस मुंह से आप केंद्र के कानून का विरोध कर रहे हैं? 5 साल की सजा किसान को पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए अमरिंदर सरकार द्वारा। पहली बात, दो विषय, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी पंजाब में, वो सिरसा साहब से क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगा कि वो एपीएमसी के अंडर आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है सर, जेल में तो जा रहा है ना आदमी। यार सर, दीपक जी बोलने तो दो यार, नहीं तो आप ही बोलिए। नहीं, मैं दीपक जी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, डिबेट समझ में आता है। दीपक जी, मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। अच्छा बोलिए बोलिए, बड़ा अच्छा सवाल लीजिए, पूरी बात करने का, फिर सिरसा साहब जवाब देंगे, फिर मैं सुनील जी साहब के पास जाऊंगा। कंक्लूड करिए। एक मिनट, तो वो एपीएमसी का जो प्रोटेक्शन आपको है अंडर, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट अंडर दी एपीएमसी से साइन होता है, ठीक है? आप मानते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो एक सवाल जरूर है कि आपने कहा कि हमने गलती की। एक मिनट, गुजरात में पेप्सी ने जो है 1 करोड़ का केस कर दिया था गुजरात के किसान के ऊपर, आलू के उपज में, क्योंकि उनके आलू जो है, उनके आलू को ये डाइवर्ट कर रहे हैं बात को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। गोपाल जी, मैं खत्म कर लेता हूँ ना, बहस करते रहिए। हाँ, फिर मैं दीपक जी बोलूंगा। हमारा एक ही कहना है, पंजाब के असेंबली में तो ये तीनों कानून को जो इसको जो नॉन एक्सेप्ट किया था, कहा गया था असेंबली में कि इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे, तीनों कानून को। पहली बात, नहीं नहीं, ये सही है कि नहीं, इतना तो सही है। दीपक जी, पंजाब में केवल कॉन्ट्रैक्ट
हकला रहे हो तुम जवाब देते हुए, हकला रहे हो तुम, हकले हो गए हो, हकले अगर हकला रहे हो आप, हकला रहे हैं जवाब देते हुए। ऐसा है दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी अगर मुझे इजाजत है तो मैं जवाब दूं। अजय जी क्या बोल रहे हैं आप, इतने समझदार इंसान है आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। सिरसा जी 20 सेकंड, उसके बाद गोपाल अग्रवाल जी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। जो कानून आपके राज्य ने लागू कर रखा है उसको केंद्र लागू कर रहा है रिफॉर्म फॉर्म में, तो आप विरोध कर रहे हैं, गजब की बात है। सिरसा जी, सिरसा जी एक्सप्लेन करिए, फिर गोपाल कृष्ण अग्रवाल और सुनील सिंह जी। जो कांग्रेस दीपक जी, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं उनको खैर जानकारी नहीं है। इसी तरीके से जैसे तीन कानून है, एक एपीएमसी का है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज का है, तो उसमें एपीएमसी वाले कानून से तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई वास्ता ही नहीं है। तो एपीएमसी अलग से कानून है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का केंद्र का कानून है वही एज इट इज काला कानून पंजाब का भी है। एक बात, जो एपीएमसी का केंद्र का कानून है पंजाब का वही कानून है, बस पंजाब के कानून में उन्होंने एपीएमसी मंडियों को खत्म नहीं किया बल्कि प्राइवेट मंडियों को एज इट इज चालू कर दिया और यह कह दिया कि सरकारी मंडियों की फीस जो है वो निर्धारित बाद में की जाएगी। तो फर्क कुछ नहीं है। हाँ, जो तीसरा कानून है वो उन्होंने अभी तक उसको छेड़छाड़ नहीं की पंजाब सरकार ने, बाकी दो काले कानून एज इट इज इसी शेप में पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 2017 में लेके आए थे। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने कुर्सी का आपको, गोपाल अग्रवाल जी फिर सुनील सिंह, एक मिनट सर, सुनील सिंह जी बिल्कुल नहीं बोले, सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस विरोध कर सकती है अपने घर में कानून? नहीं नहीं, गोपाल जी मैं तुरंत आ रहा हूँ, अपने घर में कानून नहीं, और फिर उसी कानून का विरोध दिल्ली में। एक मिनट अजय जी, पूरा मौका दिया मैंने आपको। देखिए बड़ा ही हास्यास्पद है और पूरी तरह अगर बड़ा ही हास्यास्पद है अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलनजीवी हैं जो किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कुछ अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी तत्व भी आ गए हैं, तो हमें लगता है कि कोई ये गलत बात नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पंजाब के किसान आंदोलन के किसान आंदोलनकारियों के बीच में घुस गए हैं पंजाब के शरारती तत्व और पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अपने यहाँ वही काला कानून 2017-18 से लागू कर रखा है, इसके बाद कांग्रेस को क्या फेस है? ये पूरी तरह ये साबित करता है कि कांग्रेस पूरी तरह आंदोलन जीवी हो गई है, उसे केवल एक सरकार का अपोज करने के लिए किसी स्तर तक जा सकती है, चाहे वो देश विरोधी ताकतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश करके और अपने आप में और अपने पंजाब में क्यों नहीं वो ठीक कर लेते। और एक ये एग्जाम्पल नहीं है, हर एक जगह पंजाब के अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि वो फार्म लॉज लेके आएंगे और अब अगर आया है तो ऐसे कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और हमें लगता है कि जनता इसीलिए कांग्रेस को सजा देती है। और इस तरह में किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि उनका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए और साथ में अंतर्राष्ट्रीय शरारती तत्व जो देश विरोधी ताकतें मिलकर कर रही है। किसानों को कभी बुरा भला नहीं कहा गया, किसान हमारे अन्नदाता हैं और सरकार ने अनेकों नेक बार पूरी तरह स्पष्ट किया है कि अरे भाई कौन क्लॉज में है, मंडियां हैं, एमएसपी है, आपका जमीन कहीं नहीं जा रहा है, तो आपको डर क्या, शंका क्या? लेकिन ये विपक्षी ताकत और वैसे आंदोलनजीवी लोग इसमें पूरी तरह भ्रम फैला के किसानों को भ्रमित करके 26 जनवरी को क्या हुआ इससे पूरा देश संतान हुआ। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आपके इस चैनल के ये शो के बाद कांग्रेस पार्टी को चेहरा नहीं होना चाहिए कि किसान आंदोलन में किसी तरह का उसको हाईजैक करने की कोशिश किए करें और भ्रम फैलाने की कोशिश करें। मैं अजय जी आपके पास तुरंत आ रहा हूं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल फिर अजय जी के पास। हाँ देखिए दीपक जी, एक बात यहाँ से स्पष्ट नजर आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अपोजिशन के लिए ये कह रहे हैं, पंजाब और केंद्र के में फर्क है। तो केंद्र वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम लोगों ने किसानों के ऊपर ना कोई फाइन लगाया है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और उसको जेल भी नहीं हो सकती और उसकी जमीन भी नहीं ले सकती। ये तीनों वहां से उस कॉन्ट्रैक्ट जो पंजाब के और केंद्र में ये फर्क है कि किसान की जमीन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ली जा सकती, उसको किसी प्रकार की सजा नहीं हो सकती, उसको कोई फाइन नहीं हो सकता, जेल नहीं हो सकती। यह तीनों क्लॉज स्पष्ट रूप से केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है उसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब एमएसपी का भी अल्टीमेट क्यों कह रही है केंद्र सरकार कि यह जो आंदोलन जीवी है, प्रधानमंत्री ने क्यों कहा,
जब एमएसपी का कोई इस नए कानूनों से संबंध नहीं है, फिर भी ये बार बार कांग्रेस में प्रचार प्रसार करके उनको बरगला रहे हैं कि एमएसपी आपकी चली जाएगी। एपीएमसी के ऊपर इस बार बजट में 1,10,000 करोड़ केंद्र सरकार ने एपीएमसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अलग से एग्रीकल्चर फंड बनाया है। अभी आप प्रधानमंत्री जी ने बताया, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस साल पूरी एपीएमसी मंडियों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमने 1,10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो एपीएमसी को मजबूत कर रहे हैं, एमएसपी का इससे कोई संबंध नहीं है। राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि एमएसपी का कोई नहीं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि एमएसपी चली जाएगी, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं। तो यह बरगला रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सच तो सामने आ गई। और फिर आंदोलनकारी इसलिए है कि 1500 टावर जो वहां पे तोड़े गए वो किसने तोड़वाए? कांग्रेस की वहां पे सरकार है। तो पूरी तरह से, और आज भी किसी भी तरह यह इस बात की भर्त्सना करने को तैयार नहीं है कि 26 जनवरी को टूल किट के माध्यम से ग्रेटा थनबर्ग ने जो प्री अनाउंस कर दिया था कि 23 जनवरी को ये होगा, 25 जनवरी को ये करना है, 26 को ये करना है, उसके बाद उसी तरह की स्थितियां पूरी तरह से वहां पे कुछ निकली। और फिर 6 फरवरी का भी उसमें टूल किट में घोषणा थी कि 6 फरवरी को चक्का जाम करना है। तो फिर यह जो इंटरनेशनल और जो स्ट्रक्चर है जिसको कांग्रेस भी हवा दे रही है और जिसके बलबूते पे अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रही है, और कृषि क्षेत्र में किसानों का कोई भी करने का काम नहीं कर रही है। तो फिर आंदोलन जीवी तो हुए, और केवल आंदोलन जीवी नहीं है, यह परजीवी है। आपको कोई बात थी, आज 60 साल में इन्होंने क्यों नहीं स्थिति को ठीक कर दी? क्यों ये बात कर रहे हैं अब कि हम, ये अभी अजय जी कह रहे थे कि मैनिफेस्टो को बीजेपी ने पूरा पढ़ा नहीं, ठीक है। तो मैं सीधे इसी सवाल को लेकर अजय कुमार के पास जाता हूँ। अजय कुमार जी, आंदोलन खड़ा होता है, कांग्रेस के नेता वहां पहुंच जाते हैं, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, जेएनयू हो या किसान आंदोलन हो, आप वहां जाते हैं, मौलिक सपोर्ट दे देते हैं, भड़काते रहते हैं। ऐसे में तो फंक्शन गवर्नेंस की पूरी ठप हो जाएगी। आप चाहते क्या? और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं फूफी तो हमेशा नाराज रहती है, कांग्रेस को फूफी बता दिया उन्होंने घर की। नहीं, दिक्कत क्या है कि पहली बात एक सुन लीजिए, जितने भी प्रवक्ता है बोल रहे थे टीवी में, दीपक जी आप अपने दर्शकों को जो मैं अनुरोध करूंगा दिग्भ्रमित मत कीजिए। पहली बात है कि पंजाब ने क्या कानून अक्टूबर में लाया था ये बताइएगा कि एमएसपी से नीचे अगर आप खरीदेंगे तो आप जेल जाओगे? ये तो आपके सिस्टर जी नहीं बोल रहे। अगर ईमानदारी इतनी होती तो जो अक्टूबर में अमरिंदर सिंह ने जो कानून ले आए थे उसमें क्या लिखा था कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा? दो पॉइंट, ये कानून के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आपके टीवी चैनल में लगातार झूठ बोल रहे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले जो एमएसपी से नीचे जो खरीदने वाला कानून किसने लाया? पंजाब सरकार ने, ये तो आपके पैनलिस्ट नहीं बोल रहे। दूसरी बात है कि लाल किला में जो दीप सिद्धू कौन पहुंचा है? 7-7 प्रेस कोर्स कौन पहुंचा था? अग्रवाल साहब और ये अवस्थी जी पहुंच नहीं पाए होंगे 7 रेस कोर्स रोड, पहुंच गए दीप सिद्धू और फिर बोलते हैं कि दूसरे लोग जिम्मेदार है। और इस पैनल में अगर सिरसा जी को थोड़ी से भी ईमानदारी होती तो क्यों नहीं पंजाब के अक्टूबर वाले कानून के बारे में चर्चा कर रहे जो गवर्नर बैठा हुआ है जिसमें बोल रहे कि एमएसपी से नीचे अगर आप खरीदोगे तो जेल जाओगे? सर ये तो बात का कानून है, वो 2017 के कानून की बात कर रहे हैं। 2017 में आप ही का कानून कह रहा है कि 5 साल की जेल होगी किसान को, वो 2020 के कानून की बात नहीं कर रहे हैं, 2017 के कानून की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं बात? और ये कानून तो दिखावे के लिए था क्योंकि राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी है। और फिर आपको टीवी चैनल में आकर दिग्भ्रमित करते हैं, सिरसा साहब कुछ भी बोल देंगे, ठीक है? सिरसा साहब के पास ही चलते हैं। सिरसा साहब आप राजनीति के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, ये आरोप लग रहा है एमएसपी से कम खरीदी पर जेल जाएगा, वो कानून अमरिंदर सिंह ने बना दिया, उस पर नहीं जा रहे। बादल जी मैं आ रहा हूं, नलिन कोहली जी जुड़ गए मेरे साथ। देखिए दीपक जी, मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही, वो पता नहीं क्यों इतना जोर जोर से बोल रहे हैं। अगर मेरी कोई बात गलत है तो वो तथ्यों के साथ मुझे बता दें। मैं फिर से कह देता हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2017 में ये कानून पास किया है, 2017 में जब उनकी सरकार आई है, सरकार आने के बाद उन्होंने सबसे पहला ये कानून पास किया
कि अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, किसान उनको जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर देंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उसके अंदर अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे 5 लाख तक का जुर्माना और उनको सजा होगी, एक बात। दूसरा, उन्होंने ये कानून पास किया कि प्राइवेट मंडियाँ होंगी, APMC के अलावा प्राइवेट मंडियां होंगी, और आज किसानों का यही जो है आपत्ति है कि प्राइवेट मंडी नहीं हो सकती। दीपक जी, क्यों नहीं हो सकती? अगर प्राइवेट मंडियां खुलेंगी जो बिना शुल्क के अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे, तो जो सरकारी स्टैब्लिश मंडियां हैं वो ऑब्वियसली बंद हो जाएंगी, क्योंकि बिना फीस के बंद हो जाएंगी। जब वो बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट मंडी से सरकार कभी खरीदेगी नहीं, और प्राइवेट मंडी वाला अपना सामान उठा के चले जाएगा, किसान का अनाज किसान के घर पड़ा रह जाएगा। तो यही कानून कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में बनाया, जिसको लेके किसानों ने भी इतराज किया, अकाली दल ने भी इतराज किया। दूसरी बात, आपने कही कि उन्होंने एक कानून बनाया है जिस पे सरकारी परचेज से अगर कोई कम खरीदेगा तो उसको सजा होगी। तो मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूं, आज तक की जो सरकारी परचेज है वो केंद्र सरकार ही करती है, सरकारी परचेज सरकारी मंडियां ही करती हैं, तो इसलिए MSP से कम को खरीदता नहीं है। आपका ये जो कानून है इसका तो तभी लाभ होगा, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि जो देश का कानून केंद्र सरकार ने बनाया है उसको पंजाब सरकार लागू करेगी। तो आप दो सवाल नहीं कर सकते, या तो आप कहिए कि हाँ हम कानून लागू करेंगे जो केंद्र सरकार ने बनाया है, हम उसके बचाव के लिए एक ये लाइन डाल दी हमारी स्टेट ने कि अगर इससे कोई खरीदेगा कम तो हम उसके ऊपर जेल भेजेंगे। ठीक है, जब आज तक पंजाब के लोग पंजाब के खेत जो मानने को तैयार ही नहीं किसान की, हमने इस कानून को ही नहीं लेना, जब इस कानून को लागू ही नहीं होने देना, तो फिर आपके कानून का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आप खुद बताएं। या तो आप कह दें आज चैनल पर कि हम केंद्र सरकार वाले पंजाब में कानून लागू करेंगे और उसके साथ साथ ये कानून में प्रावधान रखेंगे कि जो अगर इससे कम खरीदेगा उसको सजा देंगे, या तो आप बोल दीजिए अगर आपने कानून लागू करना है पंजाब में। तो दो बातें तो नहीं हो सकती ना, एक तो आप कह रहे हैं हमने कानून लागू ही नहीं करना और दूसरी तरफ उसके लिए हमने इंतजाम भी कर लिया, तो दो चीजें नहीं। अफसोस, जवाब के लिए डॉक्टर अजय कुमार नहीं है, लेकिन बहस को मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। अर्चना खरे भोपाल से मेरे एक दर्शक जुड़ गई है, आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बादल देवनाथ जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। अर्चना खरे जी, क्या कहेंगे आंदोलन पर, क्या आपको लग रहा है कि अब ये राजनीतिक होता जा रहा है? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ न्यू नेशन का, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का यहाँ मौका दिया। सर, इस आंदोलन से हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है और विदेशी लोग भी हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं। अब जरूरत है सरकार को कि जल्द से जल्द किसानों से बात करके इस मुद्दे को यही खत्म करे, इस आंदोलन को यही खत्म करे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, दो टूक बात कही। बादल देवनाथ जी, आपसे जानना चाहता हूं, आपने तो आज प्रधानमंत्री को कवि गुरु बता दिया, आपका ये स्टेटमेंट आपको भारी तो नहीं पड़ जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रख रहे हैं प्रधानमंत्री जी? नहीं, मैंने बोला नकली रविंद्रनाथ घूम रहा है पूरे देश में, और देखिए कितना सब बातें हैं। आज आपका जो प्रोग्राम हुआ कितना अच्छा बोला उन्होंने, बोला पंजाब के बारे में, आइन के बारे में, सबके बारे में। प्रधानमंत्री खुद आपका प्रोग्राम देखेगा तो बहुत अच्छा होगा, उसके उनका समझ में आ जाएगा जो आपको किसान आईन क्यों रद्द करने के लिए किसान वहां पर आंदोलन कर रहा है। और अवस्थी जी को और गोपाल जी को जो आप बात रखे नेटवर्क का बात आया, कश्मीर में तो नेटवर्क बंद कर दिया, बहुत जगह जहां पर कुछ होता है वहां पर नेटवर्क बंद हो जाता है। और देखिए जो लोग भाजपा लोग जो आंदोलन करेगा वो लोग देश प्रेमी है, और विरोधी जो आंदोलन करेगा वो केंद्र सरकार के क्या कोई राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा वो देश विरोधी हो जाता है। ये कैसा बात है, ये कैसा संक्षेप होगा? आज मैं तो बार बार कहता हूँ आडवाणी जी वाजपेयी जी अलग थे और राष्ट्र नायक थे, मोदी अमित शाह जी मैं नहीं मानता हूँ वो राष्ट्र नायक है, देश के लिए काम नहीं करता है। देखिए लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में थाली बजाया, दिया जलाया, सब कुछ किया, लेकिन कोरोना का कितना फैल गया, देखिए झूठ, मतलब कितना झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं। मैं प्रधानमंत्री को आदरणीय प्रधानमंत्री को बोलना चाहता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको सोच समझ के बात करना चाहिए, आप ऐसा कुछ बात बोलिए जो देश के लोग आपको बाद में 1000 साल तक आपके खिलाफ लोग बोलेंगे, आपके खिलाफ देश के इतिहास में आपका नाम खराब हो जाएगा। अरे वो तो कुछ भी बोलते हैं, बादल देवनाथ और TMC थोड़ी अच्छा बोलेगी, वो कुछ भी बोलते हैं पर बादल देवनाथ और TMC थोड़ा अच्छा बोलेगी उनको, आप तो कभी अच्छा नहीं बोलेंगे, आप तो भर भर के आलोचना करेंगे, आप तो उनको कह देते हैं देश के प्रधानमंत्री को कि बाहर ही है वो। नरेंद्र कोहली जी के पास चलता हूँ सीधे, डिबेट को ओपन करता हूँ 9 बजे की। नरेंद्र कोहली जी मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि कोई नकली रविंद्रनाथ टैगोर दिखने की कोशिश कर रहा है, नाम प्रधानमंत्री का ले रहे हैं, क्या आपको ये बयान उचित लगता है और क्या आपको नहीं लगता ये बयान भारी पड़ेगा बादल देवनाथ को कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में?
घबरा गई है टीएमसी और घबराना चाहिए टीएमसी को। बाबू जी बादल जी आप व्यायाम करिए, उसका कसरत सुन लीजिए। बादल देवनाथ जी मैं आवाज डाउन नहीं करना चाहता, बीच में मत बोलिए। आलोक जी भी आ गए, वो भी खामोश बैठे हैं। नरेंद्र कोहली जी बिल्कुल देखिए, तृणमूल कांग्रेस घबरा गई और घबराने का कारण है लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जो है समझ नहीं पाई कि 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिली। अब उसके बाद ज्ञान बांट रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को कैसे बोलना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी राष्ट्रों के लिए काम करते, समाज के लिए ममता बनर्जी काम करता है, पूरे बंगाली समाज के लिए काम करता है। प्लीज बादल देवनाथ जी ना बोलिए, आप सीनियर है बोलिए। ठीक है मैं चुप हो गया, बोलिए। तो मैंने कहा हो सकता है ममता भी उनका भाषण कोई लिखकर उनको एक स्पीच देता होगा और वो उससे पढ़ते होंगे। अब ऐसे थोड़ी ना होता कि हम कहेंगे कि हम आपको स्पीच देंगे ममता जी को कैसे बोलना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, एक वरिष्ठ नेता है, वो जो बोलना चाहते हैं खुद बोलेंगे। जब उनको तृणमूल से एडवाइस चाहिए किसी जन्म में 1000 साल 2000 साल, क्योंकि आपने 1000 साल की बात की, तो पूछ लेंगे यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, लेकिन कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात कि देश के प्रधानमंत्री ने आज संसद में कौन सी बात कही जो गलत है, अच्छे से कहे। उन्होंने तो यहां तक कहा कि आप ना पूरा श्रेय ले लीजिए, सारा ब्लेम मुझ पे डाल दीजिए, लेकिन देश के हित में तो काम करिए। क्या है यहां पर इस कार्यक्रम में कोई ऐसा व्यक्ति, और कोई भी नहीं है, सिरसा जी बैठे हैं, बाबुल जी बैठे हैं, अन्य लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति कभी भी दूर दूर तक नहीं सोचेगा कि भारत के खिलाफ कोई विदेशी ताकत भारतीयों या भारत के हित के खिलाफ काम करे और हम चुप बैठे रहे। यही तो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। सिख समुदाय को बदनाम करने के कई लोगों ने साजिश किए, बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। कौन ऐसे करे और क्यों करे, क्या हमें पता नहीं करना चाहिए इसके बारे में? आप कानून पे आ जाइए। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने संसद में कहा, देश के कृषि मंत्री, सब कह रहे काला कानून है, ये तो बता दीजिए इस कानून में काला क्या है, कौन सा प्रावधान है जो काला है, कोई किसी ने नहीं बोला। तो ये क्या है, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसमें हमें अपनी बात करनी है, राजनीतिक दल जो है उनकी राजनीतिक रोटियां जो है सेकने का प्रयास करें। लेकिन हमें दुख है, बुजुर्ग महिलाएं हो, बुजुर्ग लोग हो, कई लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई है, अपनी राजनीति के लिए कब तक वैसे उन्हें गुमराह करने लगेंगे? ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। आलोक शर्मा जी को जोड़ता हूँ। बादल जी मैं आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। आलोक शर्मा जी, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोट करके प्रधानमंत्री ने एग्जैक्टली वही कोट दिखाया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिसमें वो मार्केट ओपन करने की बात कर रहे थे, वही तो इस सरकार ने किया है। क्या ये कांग्रेस का साफ साफ यूटर्न नहीं है सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, कहीं पर भी किसी भी कांग्रेस के बयान में या सरकारी दस्तावेज में ये दिखा दीजिए कि ओपन मार्केट होगी और MSP से कम होगा, मैं डिबेट भी छोड़ दूंगा और माफी भी मांग लूंगा। गुमराह मत कीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से भाषण जीवी और जुमला जीवी और भाषण आज वहां पर हुआ है, वो एक ऐसा लगता है कि जैसे एक तानाशाह कहीं ना कहीं किसी आंदोलन से डर रहा है। अरे भाई, आंदोलन से तो हमें आजादी मिली है दीपक जी। आज करोड़ों लोगों की समस्या को आप जिस तरह से समाधान न देकर उपहास, गुमराह, मजाक, आप जिस तरह से मजाकियापन में बात कर रहे हैं देश की संसद में खड़े होकर, मैं एक ट्वीट देख रहा था कि भाई कितना गिरावट भाषा में, देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा गरिमा में होनी चाहिए। आज हम सोच रहे थे चीन की बात करेंगे वो, आज हम सोच रहे थे समाधान की बात करेंगे वो, लेकिन कोई बात नहीं हुई, केवल दूसरों का उपहास उड़ाना, दूसरों को कोट कर देना, यही हुआ। मैं अभी मोदी जी के तमाम वक्तव्य देख रहा था जिनमें उन्होंने कहा है कि आंदोलन बहुत बड़ी चीज है। 2013 में 29 दिसंबर 2013 के मैं उनका रांची का भाषण देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 2014 का जो इलेक्शन होगा वो अपने आप में के आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा।
मोदी जी आंदोलन करें तो देशभक्ति है, और दूसरा कोई व्यक्ति आंदोलन करे तो आप उसकी जुमलेबाजी को देखिए कि किस तरह से उनकी जुमलेबाजी में उनको पूरी तरह से आप किसानों को बदनाम करने में लगे। पहली बार हुआ है कि 73 साल में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर टैक्स लगाए, पहली बार हुआ है कि 54 रुपए का डीजल आपने 80 के पार पहुंचा दिया है। आप मुझे केवल ये बताइए, मोदी जी जितना बोले आज तक, आज कह रहे हैं कि साहब एमएसपी था रहेगा और पता नहीं क्या क्या, 15 लाख भी आ गए थे अकाउंट में जबरदस्ती, 100 स्मार्ट सिटी भी बन गई थी, नोटबंदी से सारा काला धन भी निकल गया था, फिर चीन के लिए भी कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसने वाला है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को अपने वक्तव्यों को आलोक ये बात रिपीट कर रहे हैं। अब आप किसानों से भटक गए और वहां कहीं पॉलिटिकल लाइन पर आ गए। मैं आपको बताऊंगा मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। मनमोहन सिंह जी यहाँ कोर्ट निकालिए प्लीज, प्रधानमंत्री ने जो पढ़ा है। मैं सीधे इस बात को अनिजेश जी के पास लेके चलता हूँ। अनिजेश जी, क्या प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भाषण का स्तर गिराया? मनमोहन सिंह जी ने कहा एमएसपी से कम पर खरीद होगी, मुझे एक भी कोर्ट दिखा दी दीपक जी, एक घंटे का समय हमारे पास, ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। आपने कहा ओपन इकोनॉमी होगी कि नहीं होगी, मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। अवनीजय जी बताइए, इकोनॉमी एक अलग चीज है, ओपन मार्केट होना एक अलग चीज है, लेकिन ये हो कहना कि एमएसपी से कम पे खरीदी होगी। सर आपको एमएसपी कोई डॉक्यूमेंट यूपी वन का और यूपी टू का नहीं। अभी अभी मैं आता हूँ उस बहस पे, आता हूँ उस बहस पे, आता हूँ। अवनीजय जी मैं बताता हूँ दीपक जी, आज बहुत अच्छा लगा जब आलोक जी ने प्रधानमंत्री की गरिमा और संसद की गरिमा कही। मुझे लगता है संसद की गरिमा पिछले 70-72-74 सालों में सबसे ज्यादा अगर कभी हुई है तो आंख मारने पर हुई है। इससे ज्यादा संसद शर्मनाक नहीं हो सकती कि कोई संसद सदस्य वहां बैठ करके आंख मार रहा हो। यह संसद की गरिमा का सबसे बड़ा क्षरण था, सबसे बड़ी सबसे शर्मनाक घटना। आपस में अब जहां तक एमएसपी की बात है, सब कुछ होता है, वो ऑन रिकॉर्ड कोई चीज नहीं है। आपस में दो हम उम्र लोग होते हैं, आंख मारना वहां पर आंख मारना संसद में बैठ करके मजाक होता है। और आज प्रधानमंत्री के बारे में जब आप बिच्छू कहते हो, प्रधानमंत्री को जब आप किसी लड़की को दलाली करने वाले कहते हो, जबरदस्ती आप आरोप लगाते हो, भटकाइए मत बात को। मैं सारे मुद्दे से भटकाइए, बताओ मैं सारे किसान अपने आप आपको जवाब देगा, किसान जवाब दे रहा है उस आंख मारने को, और फौज भी जवाब देगी आपको। सुन जाओ, अगर भी जवाब देगी आप, शर्म होती है तो गलती देश के प्रधानमंत्री के लिए आप रेनकोट डांस की डिफेंड नहीं करता, रेनकोट वाले बाथरूम वाले बयान पर जो मोदी जी ने जिस तरह की भाषा का में आकर के आंख मारना संसद में बैठ करके कि क्या मैंने बोला, आप आज अभी भी टॉपिक को डिबेट करना चाहते हैं, कहते हैं आप टॉपिक को आप अभी भी डिबेट करना चाहते हैं। दीपक जी आप कहां से ले आए इनको पकड़ के, अभी भी आप टॉपिक को डिबेट कहां से पकड़ के ले आए? अरे आपने संसद की गरिमा का, मैंने नहीं कहा, पकड़ के आप लेकर आ गए। उन्होंने तो आज भी कहा आप पकड़ के लेकर आ गए। आप क्या है मैं कुछ कहूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। इस सदन शब्दों पर लगाम दीजिए अपनों पर। इस सदन में कहा हुआ शब्दों पर लगाम दीजिए। इस सदन में प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया वाक्य कानून है, उस वाक्य से कोई परे नहीं हट सकता। सदन में कहा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग। अरे भाई आप तो एमएलए और एमपी जो हैं वो कर्नाटक विधानसभा। अरे भाई आप चुप रहिए, आपके दिन गए आंख मारने वालों के संसद में, और संसद में आंख मारने वालों के दिन गए, याद है आपको? अब देश उनको स्वीकार करने वाला नहीं है, देखने वाले हैं आप लोग, देश उनको स्वीकार करने वाला नहीं है। आप गए ना, आंख मारने वाले गए अब। और आप मैं दीपक जी मैं कितने उदाहरण बताऊं, कर्नाटक विधानसभा कितने उदाहरण बताऊंगा आपको बयान देकर। अरे 1952-54 से चल रहा है इनका ये हाल। संविधान में संशोधन, संविधान में धारा संसद के ढूंढाई जाती है। 35 से चोरी से ले आए, इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। मेरे दर्शन जुड़ गए, मैं फिर आऊंगा अवनीश जी, बहस को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कोट किया वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्विक कमेंट कान सिंह निर्वाण, मेरे दर्शक सीकर से जुड़ गए। कान सिंह जी क्या कहेंगे, क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? हेलो बताइए कान सिंह जी, क्या बातचीत होनी चाहिए? अब सर मैं आपसे बता दूं कि पहले तो मैं आपको न्यूज नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक सुदूर खेत में बैठे किसान को आप लोगों ने मैं भाग लेने के लिए जो है सहमति दी, उसके लिए न्यूज नेशन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं चौरसिया साहब आपसे कि आपका बेटा पत्रकार हो सकता है बिना योग्यता के? जब आपका बेटा पत्रकार नहीं हो सकता, एक प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, एक आईपीएस का बेटा आईपीएस नहीं हो सकता,
तो ये तथा कथित जिनके दादा किसान थे वो किसान कैसे बन के बैठ गए? ये सब के सब सामंतशाही के लोग हैं। ये 5-2% लोग पूरे किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। इस देश का किसान का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये तथा कथित किसान है, मैं आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये कोई भी किसान हितैषी नहीं है। ये किसानों के सब दलाल है, किसानों को बेचना चाहते हैं। ये एमएसपी की गारंटी देकर के किसान को नेस्ताबूत करना चाहते हैं। जो आज माल बेच जो बेच सकता है, एमएसपी सरकार कह रही है उतनी से संतुष्ट है देश का किसान, उसकी गारंटी से नेस्ताबूत नहीं होना चाहता। जब किसान की माल को सरकार नहीं खरीदेगी और दूसरा आदमी खरीदेगा तो जेल चला जाएगा, उसका सामान कहां जाएगा, ये नेता क्यों नहीं बताते? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कान सिंह जी, आपने दूसरा पर्सपेक्टिव दिया। और हमारी तो कोशिश होती है दूर दूर गांव से हमारे दर्शक हमसे जुड़े, क्योंकि मैं उनका सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, दर्शक है तो हमारा चैनल है। इसीलिए फिलहाल एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद शुरू करूंगा आलोक जी, आप पर भी आऊंगा ब्रेक के बाद।